नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल किम डॉक्टर एबी में। दोस्तों मैं हूं आलोक सर और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा सीबीएसई क्लास टेंथ का फोर्थ चैप्टर। ठीक है, क्या है हमारा फोर्थ चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर का। दोस्तों देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जैसे कि नाम यहाँ पर आपके सामने है, तो हम लोग मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं या मेनली क्या स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ कार्बन से जो कंपाउंड्स बने हैं उन कंपाउंड्स की हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूँ कार्बन के बारे में तो कुछ जानकारी आपके पास में भी है ना, जैसे कि उसके एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग बोले, उसके नेचर के बारे में बोले, तो आपको पता है क्या है, आपको पता कि कार्बन जो होता है, ठीक है, कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है दोस्तों 6। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब क्या है कि 6 इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, है ना। ओके, ये एक बात हो गई, क्लियर। अगर मैं कार्बन, देखिए हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं ना, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से मजा नहीं आता, हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ठीक है, उस टॉपिक के थोड़ा अंदर जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी सामने आएगी, ठीक है, जो हमें बहुत हेल्पफुल रहेगी, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, इसके आइसोटोप्स होते हैं, इसका आइसोटोप्स 3 होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो कंपोजिशन है ना, इसका जो कंपोजिशन होता है ये निग्लिजिबल होता है। कैसा होता है ये? निग्लिजिबल, ये हमें नहीं के बराबर मिलता है, नहीं के बराबर, ठीक। और ये जो कार्बन 12 है ये हमें सबसे ज्यादा मिलता है, ये हमें कैसा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 99% से भी ज्यादा मिलता है, समझो मोर देन 99%, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1% के करीब करीब, ठीक है, हमको क्या मिलता है, ये कार्बन 13 मिलता है, या आप ये कह सकते हैं लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1%, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, लेस देन 1%, ठीक है। और कार्बन 14 का तो सवाल ही नहीं होता, ये बहुत ही निग्लिजिबल है, समझो नहीं के बराबर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये एक जानकारी होगी हमारे पास में। दूसरी बात, कार्बन जो होता है ये कैसा होता है, इसका नेचर की मैं बात करूं तो ये होता है फ्रेंड्स नॉन मेटल। क्या होता है ये? नॉन मेटल होता है। कैसा होता है? नॉन मेटल होता है, ठीक। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये जो कार्बन होता है हमारे पास में, कार्बन ये बहुत ही, हम ये कह सकते हैं, अमेजिंग वर्सटाइल एलिमेंट होता है। क्यों होता है ऐसा, हम क्यों कह रहे हैं कि ये अमेजिंग वर्सटाइल एलिमेंट है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें 118 एलिमेंट, तो उन सभी में से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसकी तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको हम आज यानी इंट्रोडक्शन की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जो अदर एलिमेंट शो नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए अमेजिंग वर्साटाइल एलिमेंट, है ना। अमेजिंग मतलब गजब का, और वर्साटाइल मतलब जिसके अंदर कुछ बहुत ही जबरदस्त गुण है, प्रॉपर्टीज है ना, बहुत ही जबरदस्त गुण है इसके अंदर, ठीक है। गुण कैसे है, गुण इसके अंदर कैसे गुण है, बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है शो करता है जो अदर एलिमेंट शो नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेंड अमेजिंग वर्सटाइल एलिमेंट, ठीक है, ओके, ये बात हो गई। दूसरी, मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में कार्बन कैसा रहता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये नॉन मेटल है, ओके, ठीक है, ये एक अमेजिंग वर्सटाइल एलिमेंट है, क्यों है ये आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डेली लाइफ में देखें, ठीक है, अगर हम डेली लाइफ में देखें, ठीक है, इन आवर एवरीडे लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है, हम बहुत सारी जो चीजें हैं यूज करते हैं, चाहे वो खाने से लेकर हो, चाहे वो पहनने से लेकर हो, जैसे कि हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, खाने से लेकर हो, जैसे हम लोग फूड खाते हैं, चाहे यूज करने से लेकर हो, यानी कि हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, तो ये जितनी भी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी फूड है, ठीक है, फ्यूल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, तो ये सभी चीजें दोस्तों बनी है कार्बन कंपाउंड से। कैसे बनी है ये? कार्बन कंपाउंड से है, ठीक है। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में क्या लेते हैं, फूड खाते हैं हम लोग, ठीक है, हम फूड लेते हैं, फूड्स लेते हैं, ठीक है। अभी फूड्स में क्या आ सकता है, जैसे कि आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, आप लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, आप लोग मीन्स मैं भी खाता हूँ, ठीक है, मैं भी खाता हूँ, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। जो हम लोग रोज चाय पीते हैं, ये भी चाय भी कैसे बना हुआ है, इसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। कॉफी जो हम लोग लेते हैं, ये भी इसमें भी क्या रहता है, कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ग्रेन्स जो हम लोग खाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी हम लोग डेली लाइफ में चीजें खाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग मेडिसिन लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो ये सभी चीजें जो आपके सामने मैंने लिखा, और इसके अलावा बहुत सारे ईटीसी जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये है हमारे कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लॉथ्स की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्लॉथ्स की, जो हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी कैसे बने होते हैं, ये पॉलीमर से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं ये पॉलीमर से बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास में है नायलॉन, ठीक है, नायलॉन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि रस्सी बनाने के लिए बोलो या फिर क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, नायलॉन का यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीमर में जैसे हम लोग बात करते हैं पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन जो हम लोग जैसे कि मार्केट जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि पॉलीथीन दीजिए करके, है ना, कुछ कैरी करने के लिए, तो पॉलीथीन भी कैसे बना है, पॉलीमर है एक तरह का, जो कि कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, पॉलीथीन की बात कर लेते हैं हम लोग। जो कॉटन है फ्रेंड्स, कॉटन ये भी क्या बना है, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कॉटन हो गया, ओके। पॉलिस्टर्स रहते हैं, पॉलिस्टर्स, ठीक है, जो कि क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे देखा जाए ना फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं पहनने के लिए, क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, या फिर और भी कुछ बहुत सारी चीजें बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, मतलब वो कैसे बने होते हैं, वो बने होते हैं कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। मैं बात करता हूँ फ्यूल्स की, ठीक है। तो देखिए जो फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कोल यूज करते हैं हम लोग, फिर क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, केरोसिन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग, केरोसिन यूज करते हैं हम लोग, नेचुरल गैस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, नेचुरल गैस यूज करते हैं, फिर कंप्रेस नेचुरल गैस हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो सभी चीजें फ्रेंड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉर कुकिंग एंड रनिंग व्हीकल्स, है ना, खाना बनाने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए इन फ्यूल्स की हमको जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, चाहे फूड हो, चाहे फिर वो क्लॉथ से रिलेटेड हो, या फिर वो हमारे फ्यूल से रिलेटेड हो, तो ये जितनी भी चीजें बनी है फ्रेंड्स, ये सभी कैसे बनी है, ये सभी कार्बन कंपाउंड से बनी है, यानी उनका जो मेन कंपोनेंट है फ्रेंड्स वो है कार्बन, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड ही इनका, ठीक है, मतलब एक मेन कंपोनेंट है इन सभी चीजों का, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, हम जान लेंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, अगर मैं पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करूं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मतलब हमारे जमीन का भूभाग, ठीक है, जहां से हमको हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि हमको मेटल्स मिलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात करूं, और एक मैं बात करता हूं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। सो अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, जो अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का जो कंपोजिशन है, ठीक है, जो कार्बन हमको मिलता है, ठीक है, ये रहता है 0.02%, सिर्फ 0.02%, और वही एटमॉस्फेयर से जो मिलता है आपको, वो रहता है 0.03%,
0.03%, ठीक है। अब ये जो 0.02% इतना हमको जो कार्बन मिलता है ये किसके वजह से मिलता है, जो अर्थ क्रस्ट है हमको क्या मिलता है, जैसे हमको कोल मिलता है, ठीक है, हमको पेट्रोलियम मिलता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल ये सब चीजें हो गई, ठीक है, उससे हमको मिलता है। एटमॉस्फेयर में किसकी वजह से हमको कार्बन मिलता है, वो मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका कंपोजिशन है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से हमको कितना मिलता है कार्बन, और एटमॉस्फेयर से हमको कितना मिलता है, ठीक है, उसका एक कंपोजिशन है, ओके। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया कि हम जो डेली लाइफ में फूड खाते हैं, हम क्लॉथ यूज करते हैं, हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, ये सब भी क्या बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये क्या फॉर्म करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है दोस्तों, लार्ज नंबर यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड अगर कोई एलिमेंट फॉर्म करता है दोस्तों तो वो है कार्बन, ठीक है। क्यों करता है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अमेजिंग वर्सटाइल एलिमेंट, गजब का एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक यूनिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए कार्बन जो है, हमने ये तो बता दिया कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि जितने भी कंपाउंड्स हम लोग बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की, ठीक है, ये बहुत लार्ज नंबर में है, तो क्या हुआ केमिस्ट्री में एक सेपरेट ब्रांच दे दिया गया, किसको, कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच दे दिया गया, और उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले या उसकी डेफिनेशन समझने से पहले आप समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है ना फ्रेंड्स, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है, अब किस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए, ओके। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि द कंपाउंड्स और दोज कंपाउंड्स विच आर मेडअप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। समझिए इसका मीनिंग, समझिए आप, ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो किससे बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए हैं, उनको मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसके डेरिवेटिव्स, कहने का मतलब ये कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है आपके पास में, ठीक है, वो दूसरे और एलिमेंट के साथ में, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनके साथ में रिएक्ट करके जो नए कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस अदर एलिमेंट, तो जो एक नया कंपाउंड हमको मिलेगा उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, तो जिस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से वो बनेगा उसका डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना बताना चाहूंगा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में है C2H6, ठीक है, C2H6, ठीक है, मैं इसको सिंपल वे में आपको समझाता हूं, CH3, ठीक है, एक ये जो हमारे पास में है, ये जो अपने पास मैंने आपके सामने लिखा हूं, ठीक है, CH3, देखो इसका नाम होता है इथेन, इसका नाम क्या होता है, इथेन, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसका नाम होता है इथेन। तो फ्रेंड्स इथेन अगर रिएक्शन कर लेता है, मान के चलो क्लोरीन के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, एक नया ये बनाएगा CH3CH2Cl, ठीक है, और मान के चलो ये निकल गया HCl। दोस्तों क्या हुआ यहां पर क्या हुआ कि ये एक नया कंपाउंड बन गया, कहां से बना, वो किससे बना, वो बना आपके CH3CH3 से, ठीक है, यानी कि इथेन से, और क्या बन गया वो, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम हो जाता है इथाइल क्लोराइड, ठीक है, सिर्फ समझिए आप, ठीक है, हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका मेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, पैरेंट जो मेन है, ओरिजिनल है, और इससे क्या बना आपका इथाइल क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव हो गया, किसका डेरिवेटिव हो गया,
ये इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट के साथ में जब वो कंपाउंड रिएक्शन करेगा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रिएक्शन करेगा, तो नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे उसका डेरिवेटिव। अब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए किसी भी ब्रांच को अगर किसी भी फॉर एग्जांपल आप ब्रांच को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप स्टार्ट कैसे करते हो? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, और हम ऐसा लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with which deals with hydrocarbon compound बोल सकते हो या फिर organic compounds, organic compounds and their derivatives। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इस तरह की ब्रांच को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, ठीक है, जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों। ओके, तो ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिक नेचर ऑफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक नेचर ऑफ, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यानी हम इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैटिनेशन के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कैटिनेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इसकी वैलेंसी के बारे में, ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी क्या है मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या करता है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड ये बनाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये बनाता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में, ठीक है, ये अदर एलिमेंट के साथ में दोस्तों। तो हम अभी देखेंगे, ठीक है, काफी कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम सबसे पहले समझ लेंगे, ठीक है, कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड कैसे होते हैं, कार्बन की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये नोट्स जो है, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं यूनिक नेचर ऑफ, ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन ऐसा क्या एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है ये, उसके बारे में मेनली हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो है आपके सामने, टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब खुद से बॉन्ड बनाता है, क्या करता है ये, खुद से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि कैटिनेशन होता क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर में बता दिया, ठीक है। कैटिनेशन की डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, हमने ये बता दिया कि टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करें, ठीक है, कैटिनेशन, ठीक है। सो कैटिनेशन मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड, द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट, atom of same element, the tendency of forming bond with atom of same element is called as catenation, उसे हम लोग कहते हैं catenation, है ना। tendency of forming bond with atom of same element, है ना, same element के atom के साथ में bond बनाने की जो tendency है उसे हम लोग कहते हैं catenation, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं catenation। और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, हमारा कार्बन शो करता है, बहुत अच्छा कैटिनेशन शो करता है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, इसी को हम लोग कह सकते हैं सेल्फ
लिंकेज प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, है ना, लिंक बना रहा है ये किसके साथ में, खुद के साथ में लिंक बना रहा है, खुद के साथ में क्या बना रहा है ये, लिंक तैयार कर रहा है। देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ओके तो देखिए, और दूसरी बात ये कि कार्बन जो है ना, कार्बन अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है मेन हीरो, है ना, इस चैप्टर का मेन हीरो कौन है, कार्बन है, ठीक है। सो इट हैज, कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी, इट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी किसके लिए, कैटिनेशन के लिए, फॉर कैटिनेशन, कैटिनेशन के लिए दोस्तों इसके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, मतलब खुद खुद के साथ जोड़ने के लिए, खुद खुद के साथ बॉन्ड बनाने की इसके अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है, यानी कैटिनेशन की जो टेंडेंसी होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मतलब एज कंपेयर टू, ठीक है, इन इन पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब है अगर हम सभी एलिमेंट्स अगर कंपेयर करें तो कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है कैटिनेशन की, ठीक है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है कैटिनेशन की। ओके ये बात हो गई हमारी, ठीक है, इसलिए इसलिए ये क्या करता है, इट फॉर्म्स इट इट फॉर्म्स इट फॉर्म, ठीक है, मेनी यहां कह सकते लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इसलिए ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है। अब देखिए ये डिफरेंट तरह के ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान के चलो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, अगर ये स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में आप देख रहे हो एक स्ट्रेट चेन है, एक लीनियर तरीके से अगर ये जुड़ रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन कार्बन के साथ में, तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, जहां हमें इस तरह की कंडीशन देखने मिलेगी उसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा केस ऐसा कर सकता है ये कि स्ट्रेट चेन तो है, स्ट्रेट चेन तो है दोस्तों, साथ में ये क्या कर सकता है, ए ब्रांच वाले, मतलब कर सकता है, मतलब ये करता ही है, ठीक है, मतलब ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ये फॉर्म करता है, ब्रांच यानी जहां पर ब्रांचिंग निकली हो, है ना, शाखा निकली हो, एक स्ट्रेट चेन तो है लेकिन कहीं पर बीच में क्या हो गई, एक ब्रांच आ गई, तो इस तरह से भी ये क्या करता है, अपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ठीक है, इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहीं पर दे देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको बताना चाहूंगा CH3 CH2 CH3, एक छोटा सा एग्जांपल, और ये CH3 दोस्तों इसका नाम जो होता है ना, इसका नाम है, इसका नाम होता है आइसो ब्यूटेन, क्या होता है दोस्तों, आइसोब्यूटेन, हम पढ़ेंगे कि इसका नाम आइसो क्यों पड़ा, ठीक है, आइसो जनरली इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्रांच आ गई, तो ब्रांच जहां भी आती है वहां पर आइसो नाम लग जाता है, ठीक है, और ब्यूटेन इसलिए क्योंकि चार कार्बन है, ठीक है, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखो इस तरह से ये ब्रांचिंग वाले भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है, और एक थर्ड टाइप का फॉर्म करता है ये, एक क्लोज टाइप का हो सकता है या फिर रिंग की तरह, देखो मैं आपके सामने यहां पे बनाता हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म करता है रिंग लाइक कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है इस तरीके से। और हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस तरह के हम लोग जो स्ट्रक्चर है ना उसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म करता है, स्ट्रेट चेन में भी फॉर्म कर सकता है, ये ब्रांच वाले भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, और ये मींस क्लोज्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर भी ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, मतलब इस डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर ये बनाता है, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ये फॉर्म करता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो जैसे मैं आपको बोला कि कार्बन ही बनाता है, कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट है, ठीक है, बाकी तो नहीं करते लेकिन एक एलिमेंट है, उसका नाम है सिलिकॉन, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकॉन दोस्तों ये भी क्या करता है, इस तरह की यानी वैलेंसी शो करता है, किस तरह की वैलेंसी, जैसा कार्बन शो करता है, है ना, मतलब ये भी कैटिनेशन थोड़ा शो करता है लेकिन कार्बन की तरह नहीं करता, कार्बन के ही फैमिली को ये बिलोंग करता है अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो, लेकिन लेकिन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये कार्बन की तरह शो नहीं करता क्योंकि कार्बन से ये साइज में बड़ा होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कैटिनेशन ये शो करता है लेकिन सिर्फ 7 to 8 मेंबर ही
ज्वाइन होकर ज्वाइन होते हैं और एक मतलब कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सात से मतलब सात या फिर आठ से ज्यादा सिलिकॉन सिलिकॉन से नहीं जुड़ सकते, ठीक है, वो जुड़ नहीं पाते क्योंकि वो बॉन्ड उनका वीकर रहता है, तो वो नहीं होल्ड कर पाते इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। इसलिए अभी तक की जो देखा गया है सिलिकॉन का कंपाउंड, तो उसमें सिर्फ सात से ज्यादा सात या ज्यादा ज्यादा आठ आठ से ज्यादा नहीं देखी गए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अमाउंट में कैटिनेशन ये शो करता है, कौन सिलिकॉन, ठीक है, ध्यान में रखिए। अगर मैं साइज की बात करूँ, साइज की बात करो दोस्तों साइज की, तो सिलिकॉन का साइज जो होता है ये कार्बन से ज्यादा होता है, सिलिकॉन जो का जो साइज होता है कार्बन से ज्यादा होता है, ठीक है, ये साइज का भी मैटर है, ठीक है, साइज भी मैटर करता है अगर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो, ठीक है, ओके। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, अगर मैं कार्बन की ठीक है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है के एल, या फर्स्ट शेल सेकेंड शेल 2 4, कितना होता है 2 4, और ये 4 क्या है, ये 4 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या है ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आपको मैं एक बात बता दूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पार्टिसिपेट करते हैं, इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, है ना, यानी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं बॉन्ड बनाने में, उसको हम लोग कहते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको और एक नाम है क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्या है इसको नाम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर शेल में है उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने बोला कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मतलब ये टेट्रावेलेंसी शो करता है, टेट्रावेलेंसी मतलब इट फॉर्म्स, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स ये फॉर्म कर सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, क्यों, बिकॉज इट हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, सो इट कैन फॉर्म ए 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड ये बना सकता है। और दोस्तों जब ये बॉन्ड बनाता है ना कार्बन कार्बन के साथ में या कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ में, तो किस तरह का बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन जो बनाता है जो बॉन्ड बनाता है फ्रेंड्स वो होता है कोवालेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवालेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आप लोगों ने स्टडी किया है, हाँ, कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है, कोवालेंट बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और ये कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जैसा कि अभी हमने यहां पर देखा, प्लस ये 4 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड विद अनदर एलिमेंट। अब देखिए जब ये कंबाइन होगा, कार्बन कंबाइन होगा 4 हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा 4 बॉन्ड, क्या बनाएगा ये 4 बॉन्ड, कैसे बनाएंगे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग क्यों करते हैं, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अगर हम बात करें यहां पर, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, CH, ठीक है, अच्छा ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेड करके बना है, 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ऐसे कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, ठीक है, तो ये हम इस ये जो अच्छा किस तरह का बॉन्ड है, ये है कोवालेंट बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड है, ये है कोवालेंट बॉन्ड, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सभी कैसे है कोवालेंट बॉन्ड, उसी तरह से जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ये सभी कैसे रहते हैं कोवालेंट बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने देखा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं स्टेबल कैसे हो गया, देखिए ना दोनों ने क्या किया, अचीव कर लिया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। देखिए अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सिर्फ कार्बन के पास नहीं है ना ही हाइड्रोजन के पास, ये दोनों के पास में है, क्या है, दोनों के पास में है, ठीक है। तो अगर इसका देखेंगे कॉन्फिगरेशन तो इसका भी कैसा है आउटर कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो दो, इसका भी देखोगे तो दो, इसका भी देखोगे तो दो, इसका भी देखोगे तो दो, है ना, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, है ना, दोनों के पास है वो, दोनों ने क्या करके रखे है, शेयर की है दोनों ने। और यही देखो कार्बन के पास में देखोगे तो पहले से ऑलरेडी उसके पास चार थे, और हाइड्रोजन ने अपने चार हाइड्रोजन ने चार इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब कार्बन का कॉन्फिगरेशन देखो 2-8 हो गया, पहले 2-4 था अब 2-8 हो गया, मतलब अब ये कैसा है, स्टेबल है ये मॉलिक्यूल जो है हमारा, कंपाउंड जो है कैसा है, स्टेबल है। तो ये भी आपको नॉलेज रहना चाहिए, ये भी आपको नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो टेट्रावेलेंसी जो होती है कार्बन की, मतलब ये क्या क्या कर सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है दोस्तों, क्या कर सकता है, ये चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, तो इसका मेन रीजन यही है कि फ्रेंड्स इसका जो साइज होता है ना, साइज दोस्तों स्मॉल होता है, कैसा होता है ये साइज इसका, स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है, और छोटा साइज होने की वजह से, ठीक है, छोटा साइज होने की वजह से ये क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसका इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, व्हाई, बिकॉज़ इट कैन होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, छोटा साइज होने की वजह से ये ज्यादा से मतलब ज्यादा स्ट्रांगली ये क्या कर सकता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसको होल्ड करके रख सकता है, तो इसलिए ये टेट्रावेलेंसी शो करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्या करता है, ये फॉर्म करता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये हमारा नेक्स्ट, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, ये दोनों यूनिक प्रॉपर्टी, अब ये थर्ड वाली बात करते हैं, इट कैन फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये हम देखेंगे, मतलब ये कर सकते हैं हम लोग, हाँ कैसे करेगा ये, बाय शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बाय शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कार्बन जो है कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है आपके पास में, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इसका नाम है फ्रेंड्स इथेन, इथेन क्यों नाम पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इथ का मतलब मैं बता देता हूं, इथ का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें दो कार्बन है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अच्छे से बना लेते हैं इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम है फ्रेंड्स इथिलीन, क्या नाम है इसका, इथिलीन, ओके इसका नाम है इथिलीन, ठीक है। और एक कम देख लेते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसका नाम है या तो हम उसको इसको इथाइन बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं एसिटिलीन, क्या बोलते हैं एसिटिलीन, जो कि ये एसिटिलीन गैस जो है ना ये वेल्डिंग पर्पस में यूज किया जाता है, जो गैस निकलती है वेल्डिंग करने के लिए वो होती है एसिटिलीन, ठीक है। तो देखिए ये है आपका सिंगल बॉन्ड, कैसा है ये है सिंगल, अरे भैया ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये इधर हो गया ये मिंगल, कैसा हो गया ये मिंगल यानी कि डबल बॉन्ड, ये कैसा हो गया यहां पर बन गया डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, यहां आप देख सकते हैं ठीक है ओनली वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैसा है टू पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैसा है ये है ट्रिपल बॉन्ड, कैसे बना बाय शेयरिंग थ्री पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बाय थ्री पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ट्रिपल बॉन्ड बना। तो दोस्तों इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये फॉर्म करता है। तो दोस्तों यही सब यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से इसको बोला जाता है अमेजिंग वर्साटाइल एलिमेंट, गजब का एलिमेंट जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, और यही सब वो प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कार्बन का, इसके कंपाउंड्स का, इसके यूनिक प्रॉपर्टीज का, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, अच्छे से अच्छा नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ हमेशा। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप सभी लोगों से बस यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों लाइक ठोकने में क्या जाता है यार, हाँ फट से बस एक बटन दबाना है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों चलिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।